हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मैप सेंसर यानी मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर के बारे में बात करेंगे। मैप सेंसर की वर्किंग, ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन और इसे किस पर्पज के लिए लगाया जाता है और इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ इसकी वायरिंग और इसे मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट किया जाता है। मैप सेंसर से बनने वाले हर DTC कोड पर नज़र डालेंगे और इन्हें कैसे फिक्स किया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। पहले मैप सेंसर के फंक्शन और वर्किंग पर बात करते हैं। मैप सेंसर का फंक्शन इंजन में जाने वाली एयर का प्रेशर यानी वैक्यूम का प्रेशर सेंस करके ECM को सिग्नल देना होता है, जिसके अकॉर्डिंग ECM को ये पता चलता है कि इंजन पर कितना लोड है। ECM इसी सिग्नल को यूज करते हुए इंजेक्टर में फ्यूल की डिलीवरी को कम या ज़्यादा करता है। इसकी लोकेशन आपको थ्रॉटल बॉडी के ऊपर या थ्रॉटल बॉडी के बाद इंजन इंटेक मैनिफोल्ड पर मिलेगी। वर्किंग की बात करें, मैप सेंसर के अंदर एक वैक्यूम चैम्बर होता है जो वैक्यूम को मेंटेन करके रखता है। इसके नीचे एक हाई सेंसिटिव सिलिकॉन स्ट्रिप होती है। सिलिकॉन स्ट्रिप वाला सिरा इंटेक वाली साइड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही थ्रॉटल बॉडी ओपन होती है तो इंटेक मैनिफोल्ड में बहुत ज़्यादा एयर एंटर करती है और ये एयर प्रेशर मैप सेंसर की सिलिकॉन स्ट्रिप को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे मैप सेंसर के अंदर रेजिस्टेंस बनती है और वोल्टेज के रूप में ECM को सिग्नल देता है। मैप सेंसर को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है, ये जानने से पहले वायरिंग डिस्कस कर लेते हैं। मैप सेंसर के ऊपर आपको 3 वायर मिलेगी, ग्राउंड, 5 वोल्ट रेफरेंस एंड MA सिग्नल। ये तीनों वायर डायरेक्टली ECM से आएगी। ग्राउंड पर आपको -12 वोल्ट, इसके बाद 5 वोल्ट रेफरेंस पर कंटिन्यूसली पॉजिटिव 5 वोल्ट और लास्ट में सिग्नल पर वोल्टेज है वो इंजन स्टार्ट होने पर कम से कम 2 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 2.45 वोल्ट। ये एक सही मैप सेंसर की सही वोल्टेज रेंज है। इसी तरह रेस देने पर वोल्टेज 2 वोल्ट से कम होना चाहिए और आइडल पर 2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट डाटा ट्रबल कोड की बात करते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले ये सारे कोड का मतलब है कि मैप सेंसर खराब है और मैप सेंसर चेंज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट कोड आने का मतलब है कि मैप सेंसर की वायरिंग, वैक्यूम लीक और डर्टी मैप सेंसर की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये थी मैप सेंसर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।